हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या है ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है। जैसे हमने कोई भी डाटा स्टोर किया तो वो क्या है, हम ओपन करके कभी भी देख सकते हैं, तो वो क्या हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के हैं 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सेकेंड होता है हमारा CD कॉम्पैक्ट डिस्क, नेक्स्ट होता है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, नेक्स्ट होता है हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, नेक्स्ट होता है हमारा पेन ड्राइव। आज हम क्या है सेकेंडरी मेमोरी के 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है हमारी जो FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और सेकेंड होती है हमारी CD कॉम्पैक्ट डिस्क। आज हम क्या है FDD और CDD के बारे में जानेंगे। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के क्या है 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सेकेंड होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, थर्ड होता है हमारा CD कॉम्पैक्ट डिस्क, नेक्स्ट होता है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, नेक्स्ट होता है पेन ड्राइव। सबसे पहले पढ़ते हैं FDD के बारे में। FDD क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD की क्या है फुल फॉर्म। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB बोथ साइडेड, मतलब इसमें क्या है हम दोनों साइड डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड डाटा लिख सकते हैं। ये क्या है हमारी प्लास्टिक की बनी होती है, जो FDD होती है प्लास्टिक की होती है। इसमें डाटा स्टोर फ्लेक्सिबल और सर्कुलर डिस्क के अंदर होता है। यह डिस्क इंक्लूड होती है प्लास्टिक जैकेट में। यह डिस्क को प्रोटेक्शन करती है, जो इसकी प्लास्टिक जैकेट होती है इसकी क्या है डिस्क को प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट है हमारी CD। CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 640 से 700 MB। इसमें क्या सिंगल साइडेड होती है, इसमें जो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं वो क्या है सिर्फ यहीं पे कर सकते हैं सिंगल साइडेड। इसमें सिर्फ 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें कलर क्या होते हैं, रेनबो टाइप कलर होते हैं। एक्चुअली जो सरफेस होता है वह डिजिटल डाटा को स्टोर करता है। जितनी भी फाइल CD में डालते हैं वो सरफेस पर स्टोर होती है, मतलब इसमें हम क्या है जो भी फाइल डालेंगे वो सिर्फ क्या है सिर्फ यहीं पर स्टोर होगी और कहीं स्टोर नहीं होगी। जब हम CD को क्या है प्ले करते हैं तो CD क्या है घूमती है। प्ले करते हुए इसमें से क्या है एक रेड लाइट निकलती है जिससे वह डाटा को रीड करती है। आज हमने क्या है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के क्या है 5 टाइप्स होते हैं। उसमें से क्या है आज हमने FDD और CDD के बारे में जाना कि FDD क्या होती है और CDD क्या होती है, इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।